गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आरडी शर्मा से एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 to 16 हमें प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। sec द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ओके। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है sec द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब sec द पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम यहां sec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं जो कि हमने 10th क्लास में स्टडी किया था। तो वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइस। तो देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा की रिप्लेस पे हम पुट करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा के रिप्लेस पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइस। अब इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दैट इज 10 द पावर 4 थीटा प्लस 2 a और b, ठीक है। और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 1 माइनस इनटू प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइस। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस 10 द पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 10 स्क्वायर थीटा 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, क्लियर गाइस। देखो ये 1 नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, कैंसिल। इस साइड से बच गया 10 द पावर 4 थीटा। अब ये 2 टाइम 10 स्क्वायर थीटा है और ये आपका 1 टाइम 10 स्क्वायर थीटा है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 टाइम 10 स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं यही हमें प्रूव करना है, तो हेंस प्रूव, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है sin द पावर 6 थीटा प्लस cos द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, ठीक है गाइस। तो इसके भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन द पावर 6 थीटा प्लस कोस द पावर 6 थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो साइन द पावर 6 थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस द पावर 6 थीटा को लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब, ठीक है। अब यहां मैं साइन स्क्वायर थीटा को ए कंसीडर कर लूं और कोस स्क्वायर थीटा को बी कंसीडर कर लूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहां बन जाती है। तो पहले इसकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए पी, ठीक है। तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, बी है कोस स्क्वायर थीटा, फिर इंटू में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा साइन द पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज कोस द पावर 4 थीटा माइनस ए बी, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर गाइस। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो आपका बन गया 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो मैं साइन द पावर 4 थीटा को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से कोस द पावर 4 थीटा को लिख सकता हूं
कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब यहां से आपको दिमाग लगाना है कि ये आपका ए मान लो और ये आपका बी मान लो, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 2ab ऐड करेंगे और 2ab सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। देखो a तो आपका ये है, b आपका ये है, तो इसमें मैं 2ab, a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ये मैंने ऐड कर दिया और माइनस टू टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये मैंने सब्ट्रैक कर दिया और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इस वाली चीज को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये आपका टू टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है और ये आपका वन टाइम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा है, तो टू प्लस वन ये बन जाएगा थ्री टाइम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट? अब ये बन गया वन क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, आइडेंटिटी होती है, वन का स्क्वायर वन, तो वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। ठीक है श्री, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा इसके इक्वल प्रूव करना है वन। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब सबसे पहले देखो आप क्या करेंगे, कोसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा कोट थीटा को चेंज करेंगे। ठीक है, तो कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं वन अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन वन, एक ही बात है। सेक थीटा को लिख सकता हूं वन अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन वन, और टेन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोट थीटा को लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है श्री, अब आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा में साइन थीटा का डिवाइड करेंगे तो वन टाइम वन इंटू वन वन माइनस साइन थीटा में वन का डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा साइन इंटू साइन ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब इसका एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, कोस में कोस का डिवाइड वन टाइम वन इंटू वन वन माइनस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा इंटू, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस का डिवाइड करेंगे कोस कैंसिल साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल कोस इंटू कोस ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर गाइस, अब ध्यान से देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू,
वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और अपोन में कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वन होता है आइडेंटिटी होती है, वन अपोन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में है, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो गया वन टाइम। कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया वन, और हमें क्या प्रूव करना था वन ही प्रूव करना था, तो हैंस ट्रूथ। ठीक है गाइस, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस वन माइनस कोट थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस वन माइनस कोट थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा इन तीनों को आप चेंज करेंगे। ठीक है, कोसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, इंटू सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन कोस थीटा माइनस वन, तो वन अपॉन वन, माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो वन अपॉन साइन थीटा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा में कोस थीटा का डिवाइड करेंगे वन टाइम, वन इंटू वन आपका वन, माइनस कोस थीटा में वन का डिवाइड कोस थीटा, कोस को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगी, ऊपर से मैं वन माइनस कोस थीटा और नीचे से साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूं, तो वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हमने कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा वन अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया तो माइनस कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा अपॉन वन लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा में कोस थीटा का डिवाइड वन टाइम, वन इंटू वन वन, माइनस कोस थीटा में वन का डिवाइड कोस थीटा, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको आगे ध्यान देना है, इसको आप कॉपी कर दो, वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो मैं वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बच गया वन माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इसके मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, वन को इसके साथ करेंगे तो यह आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा, माइनस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, माइनस का साइन थीटा। आप देख सकते हमें यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप आराम से नोट करें। फिफ्थ क्वेश्चन को लेते हैं, वन माइनस साइन ए कोस ए अपॉन कोस ए इंटू सेक ए माइनस कोसेक ए
इंटू साइन स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में मैं सबसे पहले सेक और कोसेक को चेंज करता हूं, तो वन माइनस साइन ए इंटू कोस ए अपॉन कोस ए इंटू सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन कोस ए माइनस कोसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए। ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो साइन ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन अब डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए प्लस बी, ए क्या है साइन ए, बी क्या है कोस ए, ये आपका हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस ए बी साइन ए इंटू कोस ए। क्लियर, देखो साइन ए प्लस कोस ए से साइन ए प्लस कोस ए कट गया। ठीक है, और इसका हम एलसीएम लेते हैं, वन माइनस साइन ए कोस ए अपॉन कोस ए। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, देखो कोस ए इंटू साइन ए। क्लियर गाइस, अब कोस का डिवाइड करेंगे तो कोस कैंसिल, साइन आ गया, साइन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए, माइनस साइन का डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल, कोस को वन के साथ करेंगे तो कोस ए। ठीक है, इनटू ऊपर क्या बच गया साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती है वन होता है इसकी इक्वल, वन माइनस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो वन माइनस साइन ए इंटू कोस ए कैंसिल हो गया, वन माइनस साइन ए इंटू कोस ए से कोस ए से कोस ए कट गया, साइन ए माइनस कोस ए साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल। ठीक है, नीचे बच गया साइन ए, ये ऊपर आ जाएगा तो इसके इक्वल आ जाएगा साइन ए। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। ठीक है गाइस, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सिक्स को लेते हैं, टेन ए अपॉन वन माइनस कोट ए प्लस कोट ए अपॉन वन माइनस टेन ए इज इक्वल टू सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस वन। तो इसमें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है टेन ए अपॉन वन माइनस कोट ए प्लस कोट ए अपॉन वन माइनस टेन ए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों कोट ए को टेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो टेन ए अपॉन वन, वन को वन बाई वन लिख सकते हैं, माइनस कोट को टेन में चेंज करेंगे तो वन अपॉन टेन ए, प्लस कोट को टेन में चेंज करना है तो वन अपॉन टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए। क्लियर स्टूडेंट, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, वन और टेन ए का एलसीएम क्या होगा टेन ए, तो टेन ए अपॉन इन दोनों का एलसीएम टेन ए। ठीक है स्टूडेंट,
टेन ए में वन का डिवाइड करेंगे तो टेन ए आएगा, टेन ए को वन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो टेन ए आ जाएगा, माइनस टेन ए में टेन ए का डिवाइड वन टाइम, वन इंटू वन वन, प्लस ये टेन नीचे आ जाएगा तो ऊपर बच गया वन, अपॉन टेन ए इंटू टेन ए माइनस, सॉरी वन माइनस टेन ए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये जो टेन ए है डिवाइड में है, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो टेन इंटू टेन टेन स्क्वायर ए। अब देखो क्या करना है, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, लेकिन ध्यान से देखो टेन ए माइनस वन है इस साइड और इस साइड है वन माइनस टेन ए, तो इसको मुझे टेन ए माइनस वन बनाना है तो इसमें से माइनस को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए माइनस वन, इसमें से माइनस को कॉमन लूंगा तो माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, वन अपॉन टेन ए, माइनस को कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और वन माइनस का हो गया। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो देखो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, टेन ए इंटू टेन ए माइनस वन, अब इसका डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, टेन ए बचेगा, टेन ए को टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा टेन क्यूब ए, माइनस इसका डिवाइड करूंगा तो वन टाइम, वन इंटू वन वन। ठीक है सुन, अब ध्यान से देखो इस साइड है टेन क्यूब ए माइनस वन, वन को वन का क्यूब लिख सकता हूं, एक ही बात है। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है शुन? तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी दैट इज टेन ए माइनस वन इंटू ए स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन प्लस ए बी टेन ए इंटू वन टेन ए होगा और अपॉन में टेन ए इंटू टेन ए माइनस वन। ठीक है शुन? देखो टेन ए माइनस वन से टेन ए माइनस वन कैंसिल, अब ये टेन ए इन तीनों के डिवाइड में है तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा टेन स्क्वायर ए डिवाइड टेन ए, ठीक है, प्लस वन अपॉन टेन ए और प्लस टेन ए अपॉन टेन ए। क्लियर स्टूडेंट, देखो ऊपर टेन स्क्वायर है नीचे टेन ए है तो स्क्वायर से टेन ए कट गया, आपके पास बच गया टेन ए प्लस वन अपॉन टेन को लिख सकता हूं कोट ए, टेन से टेन कट गया वन टाइम तो प्लस में वन। क्लियर गाइस, अब मैं क्या करता हूं टेन और कोट को चेंज करता हूं, टेन को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए और प्लस में वन अपॉन वन। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, देखो तीनों का एलसीएम क्या आएगा, कोस ए इंटू साइन ए, अब इसमें कोस ए का डिवाइड करूंगा तो कोस ए कैंसिल, साइन बच गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए का डिवाइड करूंगा तो कैंसिल, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर प्लस वन का डिवाइड करूंगा तो ये एज इट इज आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। अब ध्यान से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन होता है तो इसके रिप्लेस पे लिखेंगे वन प्लस कोस ए इंटू साइन ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, तो यह देखो वन अपॉन कोस ए इंटू साइन ए, तो वन अपॉन कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए
अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। देखो ये तो कैंसिल हो गया, इस साइड तो आ गया प्लस का वन, ठीक है। वन अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है, और वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमें यही प्रूव करना है, ठीक है गाइस। तो ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप आराम से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन को लेते हैं। सेवन में दिया है साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है टू, ठीक है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी, दैट इज साइन ए प्लस कोस ए इंटू ए स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, दैट इज कोस स्क्वायर ए माइनस ए बी साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है श्री, अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। इसको कॉपी कर दो, ठीक है श्री। नेक्स्ट प्लस, अब हमें दिया है साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। तो पहले ए माइनस बी, ए क्या है साइन ए, बी क्या है कोस ए, तो ये आपका हो गया ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए, ठीक है, और डिवाइड में आपका है साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो साइन ए प्लस कोस ए से साइन ए प्लस कोस ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन होता है, तो ये वन हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। उसके बाद प्लस, तो आप प्लस लिखेंगे साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन होता है, तो प्लस में वन, और प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखो ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव कैंसिल, वन प्लस का ये भी प्लस का, तो वन प्लस वन आपका आ जाएगा टू, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव, ठीक है गाइस। तो ये आपका सेवंथ क्वेश्चन कंप्लीट। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।